ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अंडा क्या है ना, ये मेरी जेब पे ज्यादा भारी नहीं पड़ता है, इट्स वेरी मच अफोर्डेबल एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अंडे से क्या है ना, प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन मिलती है, ताकत आ जाती है। तो चलिए शुरू करें। चलो ठीक, ये है जितना प्याज है उतने ही आपके टमाटर होंगे, जितना प्याज उतने टमाटर। ओ, कोई रीजन है क्यों? क्योंकि इसमें मिठास भी चाहिए, खटास भी चाहिए। ओ, और हम थोड़ी सी ऐड करी ज्यादा बनाएंगे मसाला, क्योंकि मैंने इसमें दो वर्जन आपको दिखाया। अच्छा, और वैसे भी ना जैसे एग करी बनती, सिंपल एग करी ऐसे बनती थी, एग को बॉईल किया और बना लिया। मेरे में शुरू में ऐसा था कि एग के अंदर टेस्ट नहीं आता, तो इसमें क्या टिप्स दिया जाए, लेकिन आज हमने वही देना भी, एग के अंदर जितना मर्जी आप टेस्ट डालना चाहते हो वो टेस्ट डाल सकते हो और आपकी एग करी और ज्यादा अच्छी बन जाएगी। अच्छा, क्यों ऐसा होता है कि लोग एग करी, मतलब मैंने तो कई बार ट्राई करने की कोशिश करी लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लोग एग करी में दही क्यों डालते हैं? जब प्याज महंगा, टमाटर महंगा है, लोग दही डालते हैं खटास को, काम तो उसका खटास ही है। लेकिन आज मैंने जो आपको बनानी सिखानी है, इसमें दोनों वर्जन है, नॉर्थ इंडियन वर्जन भी है और साथ में थोड़ा सा साउथ इंडियन वर्जन भी। साउथ इंडियन कैसे? जैसे इसमें वो साथ साथ देखो। अच्छा, टू स्टेट्स वाली वो स्टोरी हो गई। हाँ। जहाँ हीरो आएगा पंजाब से ते कुड़ी आनी है, वो साउथ। तो दोनों को हमने खुश रखना, नाराज किसी को भी नहीं करना। हाँ, नाराज कोई नहीं होना चाहिए। माई एक्सक्यूज टू नॉट कुक, क्योंकि इस नाइफ से, शेफ नाइफ से भाई मेरी तो उंगली घायल है। हमने बहुत सारी, जब स्टार्टिंग हमने कुकिंग की, बड़े सारे हाथ कटवाए, बड़ी सारी उंगलियां कटवाई। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इस इंडस्ट्री को खून पसीना दोनों दिया। यस, तो शुरू करें, कटिंग हमारी होगी। जी, देखो कितना इजी है, सिर्फ दो चीजें काटी हमने, प्याज काटा और टमाटर काटा। एग हमने बॉईल करके रखे हैं। हाँ। सो सिंपल है, थोड़ा सा ऑयल, गैस करी ऑन। हाँ। क्योंकि ये बताना जरूरी है, एक बार बंदे ने बोला कहते तुम्हें सारा कुछ तो बता दीजिए, तो बता रही हूँ गैस भी ऑन करनी है। तो आज मैं पहले ही बता रहा हूँ गैस ऑन करनी है। कौन था ये? किसी ने मुझसे पूछा कहते सारा कुछ हमने कुकिंग सिखा दी, ये तो बताया नहीं गैस भी ऑन करनी है। तो आपको पता, थोड़ा गर्म करने के बाद हम डालेंगे जीरा। ये हम डाल रहे थोड़ा जीरा, एक आध लौंग। हाँ। आपको पता नहीं है, किसी भाई साहब ने कमेंट किया था वीडियो पे, ये मैडम बहुत बहुत गप्पे मारती है, बहुत बोलती है, ये जसदीप जी ये बहुत बोलती है। अरे क्या है, अगर आपकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे ट्रोल करने आ जाते हैं ये लोग। मेरी जॉब ही बोलने से चलती है। हाँ, तो जीरा जब थोड़ा सा चटकेगा, यस, तो डालेगा। ये हमने थोड़ी सी बीच में राई डालनी है, ये राई है हमारे साउथ की, और जीरा हो गया हमारे नॉर्थ का। ओके, आज दोनों का मिलन हो गया है। ये थोड़ी सी हमने डाली लाल मिर्च, ये डाला हमने कड़ी पत्ता, ये भी साउथ इंडियन का होगा। हाँ, कड़ी पत्ता तो कनाडा में, मैं सच बात बताऊं, बहुत कमाल के मिलते हैं कड़ी पत्ता। खुशबू, अभी हम डालेंगे, इसी से भूख बढ़ जाती है ना। ये ऑनियन। हाँ, ये कटिंग वगैरह देखो, सबसे पहले की हो तो बिल्कुल आसानी रहती है, क्योंकि उस समय हमारा कंट्रोल होता है डिश के ऊपर, हमने डिश को किस हिसाब से चलाना है, हमारा कंट्रोल आ हमारे हाथ। ये हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, हाफ टी स्पून, थोड़ा सा हल्का सा और, मतलब मेरे ख्याल से एक वन टी स्पून, राइट। ये अभी जो हमने इसको डाला सिर्फ, ये पानी, प्याज अपना पानी छोड़ दे, प्याज अपना पानी छोड़ दे। वैसे घर पे मैं आपकी जैसी ही कुकिंग करती हूँ। कुकिंग में क्या है, जो हमारी पंजाबी कुकिंग है उसमें सारी चीजें स्टेजेस क्या है। हमने देखो पहले खड़े मसाले डाले, उसमें प्याज डाले, अब इसमें हमने नमक डाला, अब आप ये सोचो जिंजर गार्लिक क्यों नहीं डाला। हाँ। हम जिंजर डालते हैं, आज क्यों नहीं डाला, पूछो आज क्यों नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि आज जिंजर गार्लिक पेस्ट डालनी है हमने। अगर पेस्ट हम पहले डाल दें, जो लोग बोलते हैं ना ऑयल के अनुसार चीज जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दो, तो वो फंडा ही गलत है, क्योंकि उससे क्या होता है, जिंजर गार्लिक जल जाएगा, नीचे लग जाएगा। अच्छा, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब प्याज थोड़ा सा स्वेट हो जाएगा तो हमें जिंजर गार्लिक डालनी है, कलर भी इसका अच्छा रहे और प्याज जिंजर गार्लिक भून भी जाए। तो बहुत डिफरेंस है पेस्ट में वर्सेस जो आप एक्चुअली में काट के या ग्रेट करके आप जिंजर गार्लिक डालते हो। जो तो लंबी कुकिंग होनी है जिसको काफी टाइम लगना है, तो उसके लिए आप काट के डाल दो। हाँ। इसमें इतना लंबा टाइम है ही नहीं है। हम्म, स्टोन लोगों ने घर बनानी है या किसी ने भी होनी है, इतना कौन वेट करेगा ना, तो इसके लिए इसको पेस्ट करके रख दो। चलिए, एक डेढ़ आपने चम्मच इसमें डाल देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। अब इसको नीचे लगने की कोई नहीं लगे, वजह क्या है, क्योंकि प्याज हमारा पानी छोड़ा हुआ है, तो जिंजर गार्लिक नीचे नहीं लगेगा। YouTube वीडियोस में नीचे सबटाइटल्स भी चेक कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, इंग्लिश में देखना है या हिंदी में देखना है, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। हम भले जिस भी लैंग्वेज में अब बातें करें, आप कन्वीनियंटली इन YouTube वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, खाने के लिए आ सकते हैं। खाने के लिए कहाँ आना है, इंडियन स्वीट मास्टर, इंडियन स्वीट मास्टर। अगर नहीं आने का मन तो घर में बनाओ। नहीं, वैसे क्यों नहीं होगा,
आपको पता है वहाँ पे $20 में ब्रेकफास्ट बुफे मिलता है, इतना सब कुछ $20 में बस। ये देखो आप इसमें धनिया की डंडी डाली, क्योंकि आपको पता है इसको कुक करने के लिए 5-10 मिनट चाहिए धनिया की डंडी। क्वांटिटी अच्छी खासी। आप आपके रूममेट्स, आज आपकी ड्यूटी है ना खाना बनाने की, आई अंडरस्टैंड, अपने रूममेट को ये खिलाइए आप, और फिर अंडे भी जो स्प्लिट होंगे तो पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे, पैसे नहीं सॉरी क्या कहते हैं कैनेडियन डॉलर्स। हल्दी के बाद आपको पता क्या डालेंगे? हल्दी के बाद हम डालेंगे लाल मिर्च, और वो भी थोड़ी स्पाइसी वाली नहीं, अगर आप चाहें रंग वाली है। रंग वाली डाल दीजिए। और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, अब इसमें थोड़ा सा पानी और छिटा डालेंगे, क्योंकि मेरे मसाले ना जले, मसाले नहीं जलेंगे और कलर नहीं खराब होना चाहिए। हाँ, इसको हल्का हल्का प्रिक कर दिया, वो इसलिए कि ग्रेवी का फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। ओके, ये ऊपर की स्किन है, स्किन को थोड़ा सा क्रिस्पी कर। ओह वेरी नाइस। लेकिन हमें इसको कलर देना नहीं है, हमने क्या करना है, इसमें हल्की सी डालनी है हल्दी और साथ में देगी मिर्च। यस, और इसको भी सॉटे कर। अब ये ऑलमोस्ट ये भी होने वाला है, अब मेरे को लग रहा है इसमें हम थोड़ा सा टमाटर डाल दें। जी, मेथी। वाह, कसूरी मेथी। अब एक्चुअली में लग रहा है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया का मिश्रण। अब ने टमाटर को इतना पकाना है कि ये जो अभी कच्चा बन अलग अलग लग रहे हैं, हाँ, ये सारा जैमी हो जाए, साथ में आ जाए। जब पकेगा तभी वो उसका खट्टापन आएगा, हाँ, उसका टेस्ट आएगा, नहीं तो कच्चा कच्चा टमाटर लगेगा, टेस्ट आएगा नहीं। देखो हमारे थोड़ा थोड़ा ये तेल छोड़ना शुरू हो गया, देखो साइड से। यस, शुरू। अब इसमें चीट करेंगे, हाँ, इसको ब्रीक ब्रीक काट के इसको अंदर ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, बता गए हमने एक का और फ्लेवर है, अंदर फ्लेवर कम ही है, हमने उसको किया तो है मसाले का, लेकिन इसके फ्लेवर अब अंदर तक नहीं गए, लेकिन हमने वो सारे फ्लेवर ग्रेवी के अंदर ही डाल देना। बहुत ही फ्लेवरसम ये ग्रेवी है और मसाले बहुत कम यूज़ किए, एकदम मिनिमल मसाले हैं, मुझे लगता है जो सबके घर में अवेलेबल होते ही होते हैं। डाला है धनिया, धनिया मसाला और कुछ डाले, धनिया पाउडर। सोचेंगे ये क्या कर रहा है बंदा ना। अच्छा, ये कोकोनट मिल्क है, आई थॉट आप मिल्क लेकर आए हैं या क्रीम। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आज मैं पहली बार कुछ कोकोनट मिल्क में बना हुआ कुछ खाने वाली, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लोग ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए वो डालते हैं काजू, डाल देते हैं काजू क्रीम, लेकिन हमने क्या डाला, हमने जो एग योग है वही इसके अंदर डाल दिया। हाँ, उसके साथ एक तो ग्रेवी में उसका फ्लेवर आएगा और हमें इतना गाढ़े करने कुछ और डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि काजू या अगर काजू डाल दिया फिर काजू के साथ काजू डोमिनेट कर लेगा ना, हमने इसमें एग को डोमिनेट करना। आई कांट वेट, मुझे खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू आ रही है, लेकिन टेस्ट का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक्चुअली में कैसा होता होगा। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी जिसकी हमें बहुत देर से तलाश थी, पर फाइनली वी हैव रीच्ड टू दैट स्टेज। मैं ऐसे भी खा सकती हूँ, ट्रस्ट मी। आप इसमें कुछ भी मत डालो, मैं तो ऐसे परोठे के साथ खाओ इसी ग्रेवी को, परफेक्ट बनेगी। मजा आ गया देख के, मजा आ गया। इसको हमने अभी डाला वेरी नाइस, ताकि इसके अंदर थोड़े से आहा ग्रेवी चले, इसके अंदर हमने जो इसके प्रिक किया था, हाँ, इसके अंदर फ्लेवर चले जाएगा सारा। लिटली लव इट। तो अब तो डिश रेडी हो गई है ना, तो खा सकती हूँ मैं। अभी कैसे रेडी होगी, इसके ऊपर हमें धनिया तो लगा ही नहीं। ये देखो, ये कर दिया हमने धनिया के साथ, इसकी सजावट कर दी है। आई एम सो अमेज्ड। थोड़ा सा और। अच्छा, थोड़ा सा और ऑमलेट वाला एग करी, वेरी नाइस, क्योंकि इसके अंदर एग के अंदर सारे फ्लेवर है, ग्रेवी के अंदर सारे फ्लेवर है, और ये चीज कुछ खास ही है। ये थोड़ा फैंसी वाला वर्जन हो जाएगा मेरे ख्याल से। किसी बंदे को जब तुम्हारे घर में उसको एक करी ऐसे ही खिलाओ, तो बंदा सोचेगा यार ये डाला क्या है ना, पनीर लग रहा है, शेप्स तो पनीर की लग रही है, लग रहा है टोफू, लग रहा है टोफू, लग रहा है वो मेरे ख्याल से दाल ढोकली वाला उसकी वाली शेप, डायमंड शेप है, तो फूंक जरूर मारिएगा। कुछ यूनिक लगा, बहुत ज्यादा यूनिक, क्या टेस्ट आ रहा है, मैं भी देखूं। अच्छा, ये वाला पता क्या टेस्ट है, ये वही है टेस्ट रेस्टोरेंट वाला, ये वही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट है। किसी को क्या फ्लेवर समझ नहीं आ रहा, कोकोनट का फ्लेवर कैसे आ रहा,
मुझे लगा था कि यार यार ये तो बिल्कुल ही कोकोनट वाला ऐसे नारियल। ग्रेवी के अंदर हमने एग योग भी डाल दिया, एग भी डाल दिया और हल्का सा स्पाइसनेस, हल्का सा धनिया का फ्लेवर, और वो जो हल्का सा ऐसे लग रहा है ना जैसे कुछ कोयला डाला है, जैसे वो कोयले का नहीं फ्लेवर आता है पूरा, पता नहीं कैसे आ रहा है। तो वो भी टेस्ट कर ले। वाओ, सेम ही है लेकिन हाँ ब्यूटी उसकी अलग है। ये मैं बड़ा वाला चले ले लेती हूँ इसमें से बाइट। इसकी ग्रेवी, इसकी ग्रेवी बना के रखो जब भी कोई गेस्ट आए, अंडे उबले हुए हैं या ऑमलेट बनाओ साथ गैस उसके लिए। आप क्या कर रहे हैं इतना ये? कौन सा वाला पीस दूं आपको? ये तो मैंने खा लिया। ये बड़ा वाला आपके लिए धनिया के शॉट, खाइए खाइए। हम तो इसे एंजॉय करते हैं, रोटी पराठा नान चावल जो चाहे मन करे आप इसके साथ खाइए और देखते रहिए जसदीप चावला कुकिंग शो। गिव अस अ थम्स अप, लाइक करिए हमें, सब्सक्राइब करिए हमें, ढेर सारा कमेंट करिए, शेयर भी करिए दोस्तों के साथ और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है जसदीप चावला कुकिंग शो। बाय।